सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जगेगा, आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे बीज इधर उधर भटकते फिरेंगे, भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडों पर तब जाएंगे, दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा, रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचा हो जाती है। सुबह सूरज निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है, आकाश में बादल सैर करते नजर आते हैं, भेड़ों और बकरियों की रेवड़ों से पगडंडियाँ भर जाती हैं, रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसाती घटा में से गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ। गुलमर्ग की वह रात लेखक कभी नहीं भूला। वे होटल की खिड़की में बहुत दूर खड़े थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सामने एक बरसती घटा उनकी तरह बढ़ रही है। लेखक इंतजार कर रहे थे कि वे कब तक मुझ पर तक पहुँचे और वह बरसाती घटा मेरे ऊपर बरसे। बरसात में भीग जाने पर बहुत बड़ा सुख मिलता है। घटा जो थी वो ऊपर से घिरी हुई थी और वो पानी के रूप में व्यक्ति पर बरसती है। यह समय बड़ा विचित्र और अलग होता है। लेखक ऐसा लग रहा था जैसे अपनी खिड़की के पास खड़े हो और उस घटा को बुला रहे हो, आ आ आ, मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हवा बहुत तेज थी और जो वो बरसाती घटा थी वह तेज नहीं आ रही थी क्योंकि तूफान बहुत तेज उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की चिराएं काट जाती थी। बादल जोर जोर से गरज रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो आकाश में से धरती पर गिर जाएंगे। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कूदती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। बिजली इतनी जोर से चमक रही थी ऐसा लग रहा था कि वह अभी नीचे गिर जाएगी और भयंकर विस्फोट हो जाएगा। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का कहर मेरे ऊपर टूटेगा। लेखक बहुत खुश थे, उनको लग रहा था कि ये बिजली जो है वह बूंदों के रूप में उनके ऊपर बरसेगी। लेखक अपने दोनों हाथ फैलाकर उसके सामने खड़े थे कि वह बरसाती घटा मेरे ऊपर आकर बरसे, मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ के तहाँ ठिटक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दाव तोड़ने लगा। हवा अचानक रुक गई, तूफान जो था वह भी जहाँ था वहाँ रुक ही गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पक्षी कटे पक्षी ने बीच में ही दाव तोड़ दिया। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। बिजली रुक गई थी, बिजली के रुकने से लेखक को लग रहा था कि अब हवा भी रुक गई, ऐसा लग रहा था कि मुझे अब आसमान से नीचे आना पड़ेगा। तूफान का जो जोर था वह भी खत्म हो गया और उसके साथ ही साथ लेखक की इच्छा भी। लेखक उस तूफान की बराबरी नहीं कर सके। वे ऐसे क्षण थे जो दिन में दो एक बारी आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। वे ऐसे क्षण थे जो एक या दो बारी आते हैं। गुलमर्ग में ऐसे क्षण किसी व्यक्ति के जीवन में एक या दो बार अवश्य आते होंगे। तभी तो लंबे समय तक वहाँ गुलमर्ग के प्रति जो व्यक्ति का आकर्षण बना रहता है वो उसे वापिस गुलमर्ग
गुलमर्ग की ओर खींचकर ले जाता है। नहीं तो गुलमर्ग में एक खुला मैदान है जहाँ ज्यादा से ज्यादा गोल्फ खेली जाती है, लेकिन वहाँ व्यक्ति क्यों बार बार जाना चाहता है गोल्फ खेलने के लिए? नहीं, व्यक्ति वहाँ बार बार जाना चाहता है क्योंकि वह वहाँ प्रकृति के सौंदर्य उसे वहाँ खींच कर ले जाता है। गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? तो गुलमर्ग जो है ऊंचाइयों पर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक ठंडा स्थान है। लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया? लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। सैलानी कब और क्यों सीहन जाते हैं? सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यधिक ठंडक के कारण सीहन जाते हैं। खिड़की के पास खड़ा लेखक वर्षा की घटना को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? कि वह घटा उस तक पहुंचे और उसे अपने में लपेट ले। तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? जैसे उसका दम घुटने लगा। लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? पहली बार गुलमर्ग को देखने में लेखक को कितना समय लगा था? गुलमर्ग की कौन सी रात लेखक कभी नहीं भूलेगा? गुलमर्ग की बरसाती घटा वाली रात लेखक नहीं भूलेगा। गुलमर्ग की बरसाती घटा वाली रात लेखक कभी नहीं भूलेगा। हरियाली का सपना किसके फूल में बदल जाता है? कुहासे के फूल में बदल जाता है। गुलमर्ग एक खुला सपाट मैदानी है? गलत, गुलमर्ग एक सपाट खुला मैदान नहीं है। गुलमर्ग में लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है? हाँ, गुलमर्ग में लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है। शाम होते ही हरियाली कुहासे में ढकने लगती है? हाँ, शाम होते होते हरियाली कुहासे में ढकने लगती है। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए गुलमर्ग नहीं आते? हाँ, बल्कि वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए भी आते हैं। लेखक को पहली बार गुलमर्ग की यात्रा कैसी लगती है? तो लेखक को पहली बार गुलमर्ग की यात्रा साधारण सी लगती है। ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण लेखक को आकाश कैसा लगता है? हरा लगता है। शाम होते ही गुलमर्ग में क्या शुरू हो जाता है? शाम होते ही गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो जाती है। सूर्योदय होते ही रात की खामोशी किसमें बदल जाती है? चहल पहल में बदल जाती है। परिचित होकर भी गुलमर्ग सदा अपरिचित सा लगता है। लेखक बरसाती घटा से घिर नहीं पाया
क्योंकि तूफानी हवा रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंच पाई। गुलबर्ग में सपने क्या बनकर उठते हैं? गुलबर्ग में सपने फूल बनकर उठते हैं। गुलबर्ग में व्यक्ति केवल क्या खेलने नहीं जाता है? तो गुलबर्ग में व्यक्ति केवल गोल्फ खेलने नहीं आता। सैलानियों की पंक्ति क्या दौड़ाती नजर आती है? सैलानियों की पंक्ति घोड़े दौड़ाते नजर आती है। हरियाली का सपना किसके फूल में बदल जाता है? हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी। लेखक बहुत खुश थे क्योंकि थोड़ी ही देर में ये बूंदे उनके ऊपर बरसने वाली